प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, थैंक यू। चिंकी, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है, इसलिए आज से तुम्हें ही दूध देने जाना पड़ेगा। चलो मिट्टू, आज से अपन को ही दूध देने जाना है। मिट्टू, क्या तुम्हें पता है, इसी तरह बाबूजी की पहले भी तबीयत खराब हो चुकी है। और जब भैया दूध देने जाया करते थे, तो जब भैया दूध देने जा रहे थे, एक दिन अचानक उनके साइकिल के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ गया। पत्थर आया तो फिर वो धड़ाम से नीचे गिर गए। भैया को बहुत सारी चोटें आई। चोट लगने के बाद भैया उठ नहीं पाए और हमारा सारा दूध भी नीचे फैल गया। मिट्टू, इसीलिए हमें बड़े ध्यान से साइकिल चलाना होगी। और तुम्हें मैं ये बता दूँ, जब दूध वाले भैया हमें पैसे देंगे, तो पैसे अच्छे से गिनना है। अच्छे से गिन के पूरा हिसाब किताब करके फिर मम्मी को देना है। देखो मिट्टू, एक बात और समझो तुम यहाँ पर, कि मैं साइकिल चला रही हूँ, लेकिन तुम्हें आजू बाजू भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है हमारे पैसे कोई ले ले। इसलिए हम एक काम करेंगे कि पैसे तो मैं लूँगी, लेकिन उन्हें तुम्हें मम्मा तक पहुँचाना पड़ेंगे, ठीक है? चलो अब दूध वाले को भी देते हैं दूध, और तुम पैसे लेकर मम्मा को देना, ठीक है? चलो भैया, अब मैंने दूध रख दिया। भैया जी, ये आपका दूध, और आप पैसे दे दी। तुम्हारे बाबूजी क्यों नहीं आए? बाबूजी की तबीयत खराब है ना, इसीलिए। ये लो पैसे, और अच्छी तरह देख लो, अपनी मम्मा को ही देना, ठीक है? चिंकी ने मुझे पैसे दे दिए हैं, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि इन्हें मम्मी तक सही सलामत पहुंचाऊं। इसलिए मुझे ऊपर ऊपर ही उड़ना होगा और पैरों से कस कर पकड़ना होगा, ताकि पैसे गिरे। जब तक बाबूजी ठीक नहीं हो जाते, तो चिंकी और मुझे ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी होगी। आखिर मैं भी घर का एक जिम्मेदार सदस्य हूँ, तो इसलिए मुझे होशियारी से फैसला लेना होगा। अरे, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज बहुत काम कर लिए, तो अगर घर पर हरी हरी मिर्चियाँ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अब तो घर आने वाला है, इसलिए मैं मम्मी को पैसे देकर अच्छा सा कुछ खा लूंगा और चिंकी के पास वापस चला जाऊंगा। और चाचा जी, कहाँ जा रहे हो बैल को लेकर? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।